में लार्ज पॉपुलेशन ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस स्टार्ट्स डिसइंटीग्रेटिंग एट टी इक्वल्स टू जीरो एट टाइम टी इज इक्वल्स टू टी इफ एन इज द नंबर ऑफ पेरेंट न्यूक्लियस प्रेजेंट नंबर ऑफ डॉटर न्यूक्लियस प्रेजेंट एंड आर इज द रेट एट विच द डॉटर न्यूक्लियस आर प्रोड्यूस देन द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन विल बी। तो मैं एक्टिविटी की बात करूं, लार्ज पॉपुलेशन ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस स्टार्ट्स डिसइंटीग्रेट टी इज इक्वल टू जीरो। तो जैसे मान लेते हैं कि कोई एक न्यूक्लियस है, ये एक्स है, ये डिसइंटीग्रेट हो जाता है वाई में, तो टी इज इक्वल्स टू जीरो पे ये था एन नॉट, ये था जीरो, और किसी टाइम टी पे ये हो गया एन नॉट, ये हो गया एन, और ये कितना हो गया एन नॉट माइनस एन हो गया, यही हुआ। तो पहले तो n और t का ग्राफ बनाना है, अपने को पता है कि n जो होता है वो कितना होता है, n नॉट e पावर माइनस लैम्डा t, एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग होना चाहिए। तो a तो सही है भाई, आगे बढ़ते हैं। r r उन्होंने बोला रेट एट विच द डॉटर न्यूक्लियर्स आर प्रोड्यूस्ड, यानी कि जो r है इट इज बेसिकली d बाई डी टी ऑफ n नॉट माइनस n, यानी के माइनस डी एन बाय डी टी, मतलब कितना आ गया लैम्डा इंटू एन नॉट ई पावर माइनस लैम्डा टी, ये भी अगेन एक्सपोनेंशियली ही इंक्रीजिंग फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन आ गया है, तो ये भी बी वाला भी सही है। ओके, आर बाय एन की अगर बात करेंगे, आर बाय एन अगर यहां से देख लें तो लैम्डा एन नॉट e पावर माइनस लैम्डा टी एन नॉट e पावर माइनस लैम्डा टी, ये तो लैम्डा ही आ गया विच इज कॉन्स्टेंट, तो यानी कि r बाई एन तो टाइम से इंडिपेंडेंट है, कॉन्स्टेंट रहना चाहिए, ए बी सी तीनों ही सही आ गए, मतलब जो मोर सूटेबल आंसर है इट शुड बी d, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है,